जय गुरुदेव। भगवान की महती कृपा से भारतवर्ष की व्यापक संस्कृति, हमारे आहार, विचार और जीवन शैली प्राकृतिक हैं, प्रकृति के अनुकूल हैं और हम अपने कथानकों के माध्यम से जीवन के विभिन्न रहस्यों को समझते हैं। जीवन के विभिन्न उद्यम यदि भगवदीय होते हैं, भगवत कृपा प्राप्त होती है, तो सरलता और सहजता से ही हम अनेक दुर्गम पथों को सहजता से ही पार कर जाते हैं, हमें दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होता है। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसी संदर्भ में आज हम लोग वट सावित्री की कथा का श्रवण करेंगे। इसे सत्यवान और सावित्री के अखंड प्रेम स्नेह और यम के द्वारा अखंड सौभाग्य के दान के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत की महानता है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत में तथा पूर्णिमा पे सामान्य तौर पे दक्षिण भारत में हम लोग वट सावित्री की कथा का श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं। महिलाएं वट के वृक्ष के नीचे एकत्रित होती हैं, यथासंभव 21-51 अथवा 108 बार कच्चे सूत से वट वृक्ष को बांधकर परिक्रमा देती हैं, जल सिंचन करती हैं, पूजन करती हैं, देव आराधन कर वहाँ पर सावित्री और सत्यवान की वह पुनीत कथा का श्रवण करती हैं, जिससे यम प्रसन्न होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य का वरदान देते हैं। पति की लंबी आयु के लिए, हमारे पति के रक्षण के लिए, स्वास्थ्य की अभिरक्षा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और यही वह दिवस है कि प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास में जब भगवान भुवन भास्कर की दिव्य रश्मियों का प्रभाव संपूर्ण भुवन मंडल में फैला रहता है, ताप रहता है, तब वट की छांव में माताएं बैठकर अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करती हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है कि इस भारत की पवित्र धरा पर मद्र नाम का एक देश था और मद्र देश के अश्वपति नाम के राजा बड़े प्रतापी थे। अश्वपति बहुत धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते थे, बहुत भाग्यवान थे, प्रकृति उनके प्रति अनुकूल थी, किंतु एक कमी थी कि उनके यहाँ संतान नहीं थी और वे श्रेष्ठ संतान की कामना से निरंतर 100,000 आहुतियाँ नित्य देते थे और एक दो दिन नहीं, उन्होंने 18 वर्षों तक निरंतर पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की आराधना की थी। माँ भगवती उन पर प्रसन्न हुई थीं और वे प्रकट होकर के एक कन्या का वरदान देती हैं और राजा अश्वपति के घर में दिव्य लक्षणों से युक्त एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी, चंद्रमा की कला की तरह नित्य नूतन अभिवृद्धि को प्राप्त होती रही। देखते ही देखते वह विवाह योग्य हो गई। राजा ने उसके रूप गुण से युक्त अनेक वरों को देखा किंतु उनका मन नहीं भरा। तब उन्होंने अपनी कन्या सावित्री से कहा, पुत्री मैंने सर्वत्र वसुधा में विभिन्न राजकुमारों को देखा लेकिन कहीं मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं हो रही है। तुम भी कथनचित अगर कहीं जाओ और कोई श्रेष्ठ वर तुम्हें दिखाई दे
तो तुम वागदान पूर्वक उस वर का वरण कर सकती हो। मद्र नरेश राजा अश्वपति के इस प्रकार वचन दे देने पर कन्या सावित्री जब भ्रमण के लिए दूर देशों में गई और वहाँ उन्होंने वन का विहार करते करते एक बार एक घने जंगल में जाकर के एक सुंदर युवक को देखा। उसका नाम सत्यवान था। वह भी निकट आकर के इन देवी की सपर्या में उनके स्वास्थ्य अभिरक्षण के संदर्भ में संवाद करने लगे। दोनों में संवाद हुआ। सावित्री ने सत्यवान को अपने अनुकूल पाया और सत्यवान से संवाद करने पर सावित्री को यह पता चला कि साल्व नरेश राजा द्युमत्सेन का यह पुत्र है। राजा द्युमत्सेन की नेत्र ज्योति जाती रही और वे राजा थे, लेकिन अब यहाँ जंगल में एकांत में रह रहे हैं। उनका राज्य अन्य लोगों ने छीन लिया। साल्व नरेश राजा द्युमत्सेन का यह संवाद श्रवण करके सावित्री का हृदय सहज हो गया। सत्यवान के प्रति उसके मन में प्रेम का अंकुरण हो गया और सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को पति के रूप में वरण कर लिया। और जब यह सुखद संवाद लेकर वह मद्र नरेश के निकट यहाँ घर पहुँची और अपना यह प्रिय संवाद सुना रही थी कि उसी समय देवर्षि नारद यहाँ आ गए। देवर्षि नारद की उपस्थिति में सावित्री ने अपने पिता से यह संवाद बताया कि हे भगवन, मैंने इस तरह से एक सुंदर राजकुमार को देखा है जो साल्व नरेश द्युमत्सेन का पुत्र है। यह संवाद सुनते ही नारद ऋषि अत्यंत चकित स्तंभित हो गए। उन्होंने क्षण भर में एक लंबी सांस ली और उनके इस प्रकार के श्वास और निश्वास की क्रिया को देख करके राजा अश्वपति बोलते हैं कि देवर्षि नारद, आपने लंबी सांस क्यों ली? तब इसके अनंतर देवर्षि नारद कहते हैं कि अरे मद्र नरेश अश्वपति, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि द्युमत्सेन की संतति सत्यवान के संदर्भ में आपकी कन्या सावित्री का मन जो यह परिणय के बंधन में बंध रहा है, उसकी आयु 1 वर्ष ही शेष है। आज से 1 वर्ष के अनंतर उसके जीवात्मा का यहाँ से प्रयाण हो जाएगा। जैसे ही देवर्षि नारद यह संवाद देते हैं, संपूर्ण सभा में शांति छा जाती है। सावित्री किंतु सहज रहती है। सावित्री के मन में जो संकल्प हुआ था वह दृढ़ निश्चयी होने के कारण उस पर अडिग थी। राजा अश्वपति ने बार बार समझाया कि कन्या जान बूझ करके ऐसे मृत्यु का वरण नहीं करते, लेकिन सावित्री ने अपने निश्चय को अडिग बताया। कहा, हमारी संस्कृति में कन्या एक बार वर वरण करती है और उसके बाद सारे जीवन उसके प्रति ही श्रद्धावान, आस्थावान और समर्पित रहती है। यह इस संस्कृति की दिव्यता है, हमारी भव्यता है और हमारी शुचिता का संकेत इसमें मिलता है। सावित्री की दृढ़ निश्चय इस भावना से प्रभावित होकर राजा ने जंगल में जाकर के सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। विवाह कर देने के बाद सावित्री सहज रूप से जंगल में ही रहने लगी, गृह कार्य करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता था, 1 वर्ष होने को थे कि तब सावित्री ने सत्यवान से कहा कि मैं आपके साथ जंगल में चलना चाहती हूँ। सत्यवान ने सहमति दे दी। सत्यवान उस दिन जब वृक्ष पर चढ़ने लगे तब उन्हें अनायास चक्कर आने का अनुभव हुआ।
उन्होंने सावित्री से कहा। तब सावित्री बैठ गई। सत्यवान ने सावित्री की गोद में अपना सिर रख लिया और धीरे धीरे वह काल आ गया। सावित्री ने अनुभव किया कि यम आए हैं और यम ने अंगुष्ठ मात्र जीव सत्यवान के शरीर से निकाल करके दक्षिण की दिशा में प्रयाण कर रहे हैं। सावित्री शरीर को वहीं नीचे रख करके प्राण के पीछे पीछे चलने लगी। तब पीछे आता हुआ देखकर यम पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्यों अनुगमन कर रही हो। तब सावित्री कहती है, ये मेरे पति हैं और मैं इनका अनुगमन कर रही हूँ। यम कहते हैं कि पृथ्वी के संबंध पृथ्वी तक ही रहते हैं, अब तुम शरीर के संबंध के साथ शरीर तक ही रहो, प्राण के पीछे ना आओ। तब सावित्री कहती है कि नहीं, मेरा यह धर्म है, मैं पातिव्रत धर्म का पालन कर रही हूँ, मैं अपने पति का अनुगमन कर रही हूँ, मैं इनके पीछे पीछे चलूँगी। यम प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारा ये पति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, तुम्हारा समर्पण युगों युगों तक याद रखा जाएगा, तुम कोई एक वर मांग लो। तब सावित्री कहती हैं, मेरे सास और श्वशुर दोनों नेत्रहीन हैं, उनकी नेत्रों में ज्योति नहीं है, तो आप यह आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरे सास ससुर जो नेत्रहीन हैं उनकी आँखों में रोशनी आ जाए, वे देखने लगें। यम ने तथास्तु कहा और चलने लगे। उन्होंने फिर थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा, सावित्री अनुगमन कर रही थी। यम ने पुनः सावित्री से कहा कि अब तुम पीछे क्यों आ रही हो, मैंने तुम्हें एक वर दे दिया है, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, नहीं, मैं अपने प्राण वल्लभ का अनुगमन करती रहूंगी, मैं उनके साथ चलूंगी। तब यम ने कहा, देखो तुम अपने पति को न मांगो और कोई एक वर मांग लो। तब सावित्री कहती हैं कि मेरे ससुर का जो राज्य है पुनः उन्हें मिल जाए और वे पुनः अधिपति बन जाएं, साल्व नरेश हो जाएं, ऐसा आशीष प्रदान करें। तब यम तथास्तु कह देते हैं। इसके बाद जब यम आगे बढ़ते हैं, सावित्री पुनः उनका अनुगमन करती हैं। यम पलट कर कहते हैं कि और कुछ और मांग लो, लेकिन अब प्रस्थान करो, अब मेरा अनुसरण न करो। तब सावित्री उन्हें प्रणाम करके कहती हैं कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। जैसे ही यम ने तथास्तु कहा, वैसे ही यम को लगा, ये मैंने क्या कह दिया, जब सत्यवान के प्राण अब मुझे वापस करने होंगे। और इस तरह सावित्री ने सत्यनिष्ठा से पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए, अपने पति का अनुसरण करते हुए यम को प्रसन्न कर लिया और यम ने सत्यवान के प्राण को पुनः सावित्री को वापस कर दिया। सावित्री लौट आती हैं, उसी वट के वृक्ष के नीचे छाँव में उस शरीर में पुनः प्राण संचरित होता है। सत्यवान उठकर बैठ जाते हैं और पुनः सावित्री की ओर देखते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा था, संभवतः मुझे नींद लग गई थी। सावित्री ने अपने तप के प्रभाव से पति के प्राण यम से छीन लाई। यह युगों युगों तक स्मरणीय और महनीय कथा है। जो इस कथा को श्रवण करता है उसके जीवन में सुख सौभाग्य उदित होता है। यही वट वृक्ष की महिमा है। यह वट का वृक्ष सदैव अनंत काल तक रहता है और इसीलिए इसकी छांव में बैठ करके माताएं यह व्रत करती हैं। यह अक्षय फल देने वाला है, इसीलिए वट को अक्षय वट भी कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयाग का छत्र कहा था। इस धारा पर
यह अक्षय वट रूपी जो कल्प वृक्ष है, जब संपूर्ण धरा जल में निमग्न हो गई थी, तब भगवान वासुदेव ने वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। छोटे से भगवान नारायण बन गए थे और उन्होंने मार्कंडेय मुनि को दर्शन दिया था। वट वृक्ष की छाव में जो संकल्प लिया जाता है वह अक्षय फलदायी होता है। माताएं इस ग्रीष्म ऋतु में यह जब वट सावित्री का व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं, उद्यापन करती हैं, विप्रों को दान दक्षिणा करती हैं, ज्ञान मान का संवाद करती हैं और सावित्री के पातिव्रत धर्म की चर्चा करती हैं, तो हमारे जीवन का रूपांतरण होता है। हम श्रेष्ठता का वर्ण करते हैं, सत्व उन्मुख होने लगता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान के प्रसार का जो उद्यम किया है, भारतीय संस्कृति की दिव्यता, भव्यता, महनीयता और ज्ञान गरिमा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सात्विकता का उन्मेष कराती है। ब्रह्मचारी वेद विद्या मार्तंड डॉक्टर गिरीश जी भी अनवरत महर्षि संस्थान के माध्यम से यह सदुद्यम कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व मानवता सच्चरित्र हो, सत्य बोले, मधुर संभाषण करें और चेतना निर्मल हो, इसी सत्संकल्प के साथ सभी के प्रति सद्भाव व्यक्त करते हुए अनंत मंगल कामनाएं निवेदित करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।